अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं आड़ू की चटनी बनाने जा रही हूँ और उसके लिए मैंने हरी मिर्चें ली हैं, धनिया है, पुदीना है, अदरक का ये टुकड़ा है, लहसुन के 3 चवे हैं और ये थोड़ी सी जो है कैरी है, आलू बुखारा 1 है पूरा, और उसके साथ जो है उसमें मैं डालूँगी काले मिर्च 1/2 टीस्पून, ये काले मिर्च, लाल मिर्च थोड़ी सी, ये 1/2 टीस्पून जाएगी, और चीनी जाएगी, और बाद में जो है लास्ट में हम नींबू डालेंगे। तो सबसे पहले जो है हम डालते हैं इसको, मैं कूटूंगी थोड़ा सा, मुझको मोटा मोटा रखना है, बहुत बारीक नहीं करना। मैं ये डालती हूँ पहले ये चीज़ें, कैरी, अदरक, लहसुन और ये सारी चीज़ें, और इसके साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, क्योंकि खट्टी मीठी चटनी बनेगी ये। उसके साथ इसमें जाएगी चीनी, चीनी जो है 1 टीस्पून के करीब है। उसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च 1/2 टीस्पून के करीब, और उसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च किसी भी 1/2 टीस्पून। अब हम इसको कूटना शुरू करते हैं। अब इसके साथ मैं इसमें ये डाल दूंगी आड़ू जो काट के मैंने रखा हुआ था, और अब हम इसकी करते हैं कुटाई। बस इस तरह इसको मोटा मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, और इसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला था, ये पानी जो है आड़ू का निकला है, और ये आपकी जो है चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप मैं इसको अब निकालती हूँ बोल में। जी ये हो गया। अब इसमें ऊपर से मैंने डालना है नींबू, बस ये इसमें जो बीज आ गए हैं आपके निकाल लें, और इसको मिक्स कर लें। आप एक चटनी खाएं, पराठे के साथ खाएं, गरम गरम फुलके के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रेसिपी पे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।